भगवान भी बेचैन है अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए, लेकिन किसको किसको? रे सातीर, रे चोर, बात बात करना सुनने वाला। भगवान बेचैन रहेगा, लेकिन ऐसे लोगों के पल्ले कभी पड़ने वाला नहीं है। जिंदगी में कभी गायत्री फलित नहीं होगा। अगर आप चाहते हो भगवान का लाभ लेना, तो भगवान के अनुसार सोचना भी होगा और चलना भी होगा। लाभ ही लाभ। मैंने रिस्क लिया भाई। इसमें कितने लोग मेरे तरह रिस्क लिए भाई? नहीं, हम लोग थोड़ा थोड़ा लिए तो थोड़ा थोड़ा मिला। जो थोड़ा थोड़ा लिया उसको थोड़ा थोड़ा मिला। हमने पूरा रिस्क लिया, जो होगा देखा जाएगा। भगवान के कार्य में कैसे अपने जीवन को सफल बना सकते हैं? आज धरती पर बहुत सारे लोग जो पूजा पाठ मंदिर से जुड़े हैं, उनके मन में इच्छा होती है कि भगवान को हमारी बात सुननी चाहिए, हम जो कहते हैं उनको मानना चाहिए। किनको मानना चाहिए? भगवान को मानना चाहिए, हनुमान जी को मानना चाहिए, हम जो जो कहें उनको सुनना चाहिए। मेरे बेटे को नौकरी लगाना चाहिए, बेटी की शादी कराना चाहिए, जमीन के झंझट को ठीक करना चाहिए, बीमारी ठीक करना चाहिए। ये सारे डिमांड्स हम किनसे करते हैं? भगवान से करते हैं, और उनको कहते भी, इनको मानना ही चाहिए। लेकिन हमें भगवान की बातों को मानना नहीं चाहिए, हमारी सुननी चाहिए, उनकी हम नहीं सुनेंगे। हम लोगों की चिंता यही है कि हम अपनी वाली सुनाना चाहते हैं, उनका वाला मानने को हम तैयार नहीं है। जिस दिन हम उनका वाला मानने को तैयार हो जाएंगे, विश्वास मानिए, इस धरती पर हमारा भी काम बनने लगेगा। भगवान इसी का नाम है। हम सिर्फ लेते, माँ बाप अपने बच्चे को जन्म देता है तो माँ बाप के मन में इच्छा होती है कि हमारा बच्चा बड़ा हो, पैसा कमाए। सारे माँ बाप चाहते हैं बीपीएससी में जाए। कि हम चाहते हैं कि साहब हमारे बच्चे हमको बन के दिखाएं, और हमें बुढ़ापा का क्या बने? सहारा बने। भगवान भी कहता है कभी कभी हमारा सहारा भी बनो। गुरुदेव कहते हैं भाई भगवान का भी को भी सहारे की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन भगवान को सहारे की आवश्यकता कभी कभी पड़ती है और इंसान को हमेशा। अब आप कहिएगा भगवान तो शक्तिशाली है। अगर भगवान शक्तिशाली होता है, ये बात भी सही है, तो फिर गिलहरी को से लेके बंदरों तक का सहयोग क्यों लिया उन्होंने पुल बनाने में? वो तो सीधे कहते बन जाओ, अब बन जाते नहीं। उनको भी सहारा लेना पड़ता है। और ऐसा समय इतिहास में कभी कभी आता है जब भगवान को सहारा लेना पड़ता है, हमेशा नहीं आता है। आजादी की लड़ाई फिर होगा क्या? नहीं, फिर होता तो हम लोग भी जाते। अब कहानी पढ़िए भगत सिंह, खुदीराम, सुभाष चंद्र बोस, 26 जनवरी, जिलेबी, नाच गाना, कहानी पढ़िए। समय जब आता है तो सब लोग पहचानते हैं क्या? जब समय आता है तो हर लोग नहीं पहचानता है। 90% लोगों को पता ही नहीं होता है जो क्या हो रहा है। अंग्रेज था इस देश में, मात्र 10% मैथ आता है आप लोग को? नहीं, मैथ आता है? नहीं आता, थोड़ा बहुत। हम क्या बोल रहे हैं? टोपी है, ध्यान से सुनो। 10% कितने में? 10% 100 में कितना हुआ? 10। इस देश के 90% लोगों को समझ ही नहीं था कि अंग्रेज सही में भागेगा भी कि नहीं भागेगा, हमारा जाना इसमें ठीक रहेगा कि कहीं गए, टाइम भी लगाए, बैठे भी, अन्ना ही कुछ मिला था। लेकिन 10% लोग ऐसे थे जिनको मिलने न मिलने की चिंता नहीं थी, उनको यह भी जानकारी नहीं था कि अंग्रेज कब
जाएगा, रिस्क कवर किया, रिस्क लिया, और जिसने रिस्क लिया, जिसको टाइम टेबल का भी पता नहीं था, समय का भी पता नहीं था कि अंग्रेज कब भागेगा, ऐसे एक व्यक्ति भी घाटे में रहे क्या? एक व्यक्ति जिनको कुछ नहीं मिला, रूम में सोता था, रात में 3 बार चौकी से गिरता था, वो भी झंडा लेके निकला, वो क्या बन गया? स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, फ्री एसी पास, सारा चीज मिला। इसलिए याद रखिए, ये समय जो परिवर्तन हो रहा है, इसको सब लोग समझ लेंगे क्या? अभी निशांत जी कह रहे थे कि रूम में जाता है, सबको कहता है, सुनाता है, नहीं, सब लोग नहीं समझेगा। कुछ लोग समझेगा पूजा है, कुछ लोग सोचेगा कीर्तन है, कुछ लोग सोचेगा हमको तो ब्याह करना है, कुछ लोग सोचेगा हमको बच्चा पैदा करना है, सब नहीं समझेगा। लेकिन जो समझेगा और इस रास्ते पे चल पड़ेगा, रिस्क लेगा, मैंने रिस्क लिया, मैंने रिस्क लिया है, इसमें कितने लोग मेरे तरह रिस्क लिए भाई? नहीं, हम लोग थोड़ा थोड़ा लिए, तो थोड़ा थोड़ा मिला ना, जो थोड़ा थोड़ा लिया उसको थोड़ा थोड़ा मिला, हमने पूरा रिस्क लिया, जो होगा देखा जाएगा। आपको नौकरी चाहिए, और हमने अपने जीवन में नौकरी के लिए फॉर्म ही नहीं भरा भाई, मां बाप आरती उतारे होंगे मेरा है? हम जब नौकरी के लिए फॉर्म नहीं भरे होंगे तो हमारे माता पिता हमारा आरती उतारे होंगे कि गाली दिए होंगे? तो मैंने रिस्क लिया, तब आज ये कुर्ता, उधर का स्वेटर, आई जो देखते हैं, मनीष भैया, मनीष भैया के हैं, तनी मिल लेते 5 मिनट कुछ, ये देखो साहब, अभी तो कुछ नहीं, अभी तो आसानी से हम आपसे बात कर रहे हैं, ये भी नोट कर लेना भविष्यवाणी, आप भी नोट कर लेना, आप भी अभिषेक जी, आने वाले दिनों में हमने भगवान के लिए रिस्क लिया है, जीवन को दांव पर लगाया है, आप लोगों को भी मिलने के 10 दिन बाद समय मिल पाएगा हमसे मिलने का, ये नोट कर लेना, वो भी समय आ रहा है, अभी खेलिए, मजाक समझे आप भगवान के अभियान को, जो जो इसमें जितना डालेगा उसको उतना मिलेगा, रिस्क लेना पड़ता है, रिस्क लेना पड़ता है, बिना रिस्क लिए नो रिस्क नो गेम। नहीं, मेरा वाला हो जाता, नौकरी होता ना, तो बढ़िया लड़का से ब्याह हो जाता, हमारे मम्मी पापा को दहेज नहीं देना पड़ता, बढ़िया मिल जाता, इसकी कोई गारंटी है क्या? आज के जमाने में इसकी कोई गारंटी नहीं है। आप ये सोच रहे हो कि हम बन जाते और तब मेरा शादी होता तो मुझे बढ़िया मिलता, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, अभी ताजा, आजे कल वाला, हम ताजा माल लाते हैं आप लोगों के लिए खोज के, ये लोग नहीं लाते होंगे, लोग पुराने के माल लेके पहुंच जाते हैं, और आप लोगों को तो रोज नया ताजा माल चाहिए, हम लाए हैं वर्ल्ड की बेस्ट टॉप चैंपियन, आप जिसके पास भगवान के कृपा से कुछ भी कमी नहीं है, अरबों की मालकिनी है, कितना की? अरबों अरब रुपया, देखी हैं बैंक में, देखी होगी, और गोल मटोल लड़का से ब्याह की, बड़ा चिकन है, सुनर है, यो बैट बैट खेलता है, बैट उठ लेके उड़ गया, इनका बैडमिंटन भी छीन लिया, नहीं होता, समझिए, यहां पर उसकी आवश्यकता पड़ती है, हैं? समझ ले भाई, खाली नौकरी से अगर जीवन में मजा मिलता तो सब नौकरी वाला मजे में रहता, ये भगवान का अभियान चल रहा है, सीधे बदल जा और बदलने में सहयोग कर, बदलना तो निश्चित ही है, बाद में अफसोस ना हो कि हमें तो कहा गया था, मनीष भैया समझा समझा के, तोड़ तोड़ के रीजनिंग समझाए थे, केमिस्ट्री समझाए थे भगवान का, ये कौन केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं आपको? भगवान का केमिस्ट्री, भगवान का फिजिक्स, आ
आपके समझ में नहीं आएगा और बाद में आइएगा गायत्री मंदिर में रोने, तो फिर उस समय हम भी पूछेंगे कि आवाज लगा था ना। हाँ लगा था भैया, लेकिन उस समय क्लास रहता था, तो जो क्लास वाला से पूछा हमारी पत्नी भाग गई भैया। भागेगी ही, तोरे जैसे चोर के साथ रहेगी। माफ करना, भगवान न करे भागे, शुभकामना है बेचारा सब। मैं ये कह, अध्यात्म की यहां आवश्यकता है। लोग ये सोचता है कि ये हो जाए तो ये हो जाएगा और ये हो जाए तो ये हो जाएगा। भाई मेरे, जा पर कृपा तुम्हारी होई, ये सत्य है, लेकिन फ्री में नहीं है। नहीं फ्री में नहीं है। कल फूल ले आएंगे, माला आ गुलाब के माला चढ़ाएंगे। अपने गुलाब अपने मौसा को देना, आ मौसी को पहनाना, आ चाची को देना, चचानी को देना। भगवान को ना तो गुलाब चाहिए, ना माला चाहिए, ना लड्डू चाहिए। भगवान को तो भाव चाहिए, भाव, इमोशंस। आप क्या कहते हो? मेरा इमोशन तो ले गई। के ले गई? लुट ली। ठीक की, तोरा मारी नहीं, मारती तो अच्छा होता। माफ करना, इमोशंस। भगवान को क्या चाहिए? इमोशंस मतलब भाव चाहिए। भाव मतलब पूजा करना। पूजे के माध्यम से मेरे मन में दूसरे का कुछ भलाई करने का मन हो रहा है कि, अगर दूसरे का कुछ भला करने का मन हो रहा है तब माना जाएगा कि आपका पूजा सफल हो रहा है, नहीं तो आपका पूजा बेकार है। समझ लो, ये भगवान भाव को देता है। कितना अभी हमारे यहाँ फ्री में हवन होता है, पैसा नहीं लगता है, अभी वो चल रहा है, जाके कर लीजिए। फ्री के पंडित जी, फ्री के लकड़ी, फ्री के हवन सामग्री, सब फ्री। आ खाली जाके आग में डाल देना है, स्वाहा, जय भाई, पुण्य बटोर लिए। ऐसे फ्री में अगर पुण्य मिले तो हम तो बगले में रहते हैं, रोज पुण्य बटोर बटोर के झोरा में भर दें, हमें तो रखने का जगह नहीं मिलेगा। अरे भाई समझ रहे, बकलोला, नौकरी चाहिए। तब न के पाठक हिसाब कह ले हो कि अब शीतलहरियों में बंद नहीं होगा। सब जिला के DM सबको कह दिया है, का चीज के शीतलहरी? कोई शीतलहरी नहीं, खाता नहीं है शीतलहरी में हिसाब, नहीं खाता है, डेढ़ गुना हो जाता है शीतलहरी में बैठल बैठल है। मार दरोगा कहे शीतलहरी, SP कहे शीतलहरी, सिपाही कहे शीतलहरी, नहीं जाएंगे, शीतलहर है, बाप रे मार देगा, तो सिपाही की नौकरी काहे की? अरे सबसे साधारण भगवान है, ठंडा बढ़ा, सुबह में नहीं गए थे, काहे रे लगा मार देगा। तो भगवान समझ लिया ये लोभी है, जहां इसको फायदा होता है वहां दौड़ता है, चाहे शीतलहर हो चाहे पत्थर गिरे। और भगवान का चूंकि भाव वाला क्षेत्र है, यही समस्या है। तो भगवान को इससे कोई मतलब नहीं है कि हम, भगवान के पास जो मशीन है वो एक्सरे मशीन, जैसे भीतर में क्या क्या चीज है बाहर से कुछ पता नहीं चलता है तो डॉक्टर क्या कहता है, अल्ट्रासाउंड कराइए, एक्सरे कराइए, भीतर में क्या क्या गड़बड़ी है सब पता। तो जब आप भगवान के पास खड़े होते हो, नीचे खड़े होते हो, कहते हो तुम्हें वह माता च पिता तुम्हें वह, सब तुम ही हो, दूसरा कोई नहीं है, सब झूठ, सब झूठ, एक नंबर का झूठा, तुम खाली जिहवा हिला रहे हो, तुम्हें वह। भगवान कहता है इधर आ, तो तेरा हम एक्सरे करें, नहीं पकड़ा जाएंगे, उसमें नहीं जाएंगे, भीतर तो अपना बेटा बेटी नाती पोता है, मजाक बना दिया है भगवान को। तो भगवान भी बेवकूफ बनने वाला नहीं है। राम राम जपना पराया माल, इशारों को अगर समझो तो राज को राज रहने दो। जय श्री राम, जय जय श्री राम। चलो भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एकदम लगे रहो मुन्ना भाई। भगवान ही ठगने और ठगाने के लिए हैं। मुर्गा खाओ 1.5 किलो और कहो जय श्री राम, मुर्गा में दम था। राम वैष्णव थे, सुन ले भाई जो सुन रहा है, राम वैष्णव थे। आ तुम झंडा उठाए हो राम जी का, कहते हो जय हो, ठंडा है आज, तनी मुर्गा बनाना चटकारा देके। राम भगत हो कि मुर्गा भगत हो, माफ करना, आने वाले दिनों में ऐसे लोगों का कल्याण होने वाला नहीं है। ये 2 नंबर का अध्यात्म चलने वाला नहीं है। ओरिजिनल अध्यात्म भारत को चाहिए, जो भारत का विकास कर सके। वास्तविक अध्यात्म चाहिए,
माफ करना, हम ऐसे राम को मानते हैं, हम ऐसे राम को मानते हैं और ऐसे ही राम को मानना चाहिए। बोलिए जय श्री राम। हाँ, मुर्गा नहीं खाइएगा तब, अगर खाए तो राम कहेगा ला। इसलिए भाई समझ लो, भगवान को ठगने का सारा षड्यंत्र बंद कर दीजिए जितना जल्दी हो सके, नहीं तो पूजा करने वाला लोग दरिद्र हो जाएगा। आप समझ लो, भगवान को मत ठगो, भाव रखो, चाहे आप किसी भी भगवान की पूजा करो। गायत्री मंत्र इसलिए जपवाया जाता है, क्यों? उससे मेरा भाव क्या बनता है? बढ़िया बनता है, सही बनता है, शानदार बनता है, जीवट वाला बनता है, कुछ करके कर गुजरने का मन होता है। ये गायत्री, गायत्री कर्म की देवी है। किसकी? कर्म की देवी है। आपका कर्म क्या है? अभी पढ़ना है और दूसरे को बेवकूफ बनाना है। लव यू जानू, झूठा, एक नंबर का फ्रॉड। आ वो वाला अगर कोई बढ़िया मोटरसाइकिल वाला मिल गया तो वो वाला जानू। आ ये सब भी कम तेज नहीं है, जब तक भिखमंगा है, चौकी पर सुत्ता है, तब तक जानू जानू। आ जैसे ही चौकी से पलंग पर हुआ, मामला बदल देता है। ये सब भी शातिर है रे भाई, ये सब को भी कम मत समझिए। नौकरी मिलेगा तो दर्शनों नहीं देगा, जानू कहाँ गई, नंबरे ब्लॉक। ये सब शातिर, इसलिए ऐसे शातिरों, हम तो लिखवाने वाले हैं, शातिरों से सावधान भैया, सातिरों से, जब कतरों से नहीं, सातिरों से सावधान। माफ करना, भगवान के नजदीक यही समझ लो। गायत्री मंत्र फलता नहीं है, नहीं फलेगा, नहीं फलेगा। चोर को फलेगा क्या गायत्री? हैं? गाय किसको दूध पिलाती है, अपने बछड़े को कि कुत्ता के बच्चा को? आप सब गांव से जुड़े हुए लोग हो, पहले गाय गांव में चरने जाती थी, अब तो उस मामले खत्म है, ना तो चारागाह बचा ना कुछ बचा, अब तो खूटे पर खाती है, खूटे पर रहती है, कहीं कहीं चरती होगी। तो गांव में जब गाय चर के आती थी, आप लोगों ने तो गाय देखा है, ओरिजिनल देसी ना, फ्रीजियन जर्सी नहीं, देसी गाय। कितने लोग देखी हो देसी गाय? बहुत लोग नहीं, ठीक बात है, चलो ठीक। देसी गाय चरने जाती थी और शाम में जब चर के आती थी, उसके थन में दूध आ जाता था और वो रामते हुए आती थी और अपने बच्चे को खोजती थी कि अपने बच्चे को हम दूध दूध पिलाएं। उसको भीतर से बेचैनी होता था। अगर आप, वो अपने बच्चिया को खोजती थी, अपने बच्चे को खोजती थी, उसके बेचैनी को दूर करने के लिए अगर उस समय कोई कुत्ता का बच्चा ले जाता, कहता अच्छा अपना बेचैनी दूर कर लो, गाय बेचैन रह लेती, लेकिन कभी कुत्ते के बच्चे को दूध नहीं पिलाती। भगवान भी बेचैन है अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए, लेकिन किसको? किसको? रे सातीर, रे चोर, रात भर गाना सुनने वाला। भगवान बेचैन रह लेगा, लेकिन ऐसे लोगों के पल्ले कभी पड़ने वाला नहीं है। जिंदगी में कभी गायत्री फलित नहीं होगा। अगर आप चाहते हो भगवान का लाभ लेना, तो भगवान के अनुसार सोचना भी होगा और चलना भी होगा। लाभ ही लाभ है, बेनिफिट्स, इससे बढ़िया धंधा दुनिया में कोई नहीं है। मैंने तो भगवान के धंधे में अपने धंधे को मिला दिया, मैंने भगवान के कार्य में अपने आप को जोड़ दिया। भाई मुझे तो कभी घाटा नहीं होता है, मुझे तो कभी लॉस नहीं होता है, मैं तो हमेशा फायदे में रहता हूँ। इसलिए आप समझ लीजिए, गुरुदेव ने कहा है बेटा, ईश्वर के साथ साझेदारी हर दृष्टिकोण से मुनाफे का सौदा। एक किताब लिख दिया है, कभी मौका मिले तो पढ़ लीजिएगा। उस किताब का हेडिंग क्या है? ईश्वर के साथ साझेदारी हर दृष्टिकोण से मुनाफे का सौदा। साझेदारी का मतलब चालाकी नहीं, जो दुनिया में आप करते हो, होशियारी नहीं, तीरंदाजी नहीं। आपको लगता होगा कि मनीष भैया कुछ नहीं समझते हैं, आप भ्रम के शिकार हो। भगवान ने जिसको यहाँ खड़ा किया है और 29 वर्षों से लगातार खड़ा किया है, मनीष भैया आपके पलक तक को समझते हैं। कुछ लोग कहता है, हमारे सचिता जी कहते हैं जो मनीष भैया सीधे हैं, नहीं 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 नहीं, भ्रम मत पालो सचिता जी, हम बहुत तिरछे आदमी हैं। भगवान ने सब विद्या दे दिया है और मैं आदमी की पलक से और चाल ढाल से पकड़ लेता हूँ कि नज़ारा क्या है, और मैं बोलता कम हूँ लेकिन समझता ज़्यादा हूँ। इसलिए भाई मेरे, समझो, भगवान के चीज़ों को, भगवान का लाभ लेना है
तो आपको भी ध्यान करना पड़ेगा भाव से। भाव में क्या कहिएगा, हे मालिक न मैं रहूं न मेरी आरजू रहे, बस तू रहे और तेरी ही आरजू रहे। जब इस भाव के साथ आप ध्यान करिएगा और भगवान को विश्वास हो जाएगा, विश्वास हो जाएगा कि ये भगत अब परफेक्ट है, तो आप जो चाहते हो भौतिक सफलता से लेके पारिवारिक सफलता से लेके आत्मिक सफलता तक भगवान उपलब्ध करा देता है, लेकिन फ्री में किसी को नहीं देता है। फ्री में तो भीख दिया जाता है, हाँ, कोई अगर आपको मांगने आ जाए भीख हाथ पांव वाला, तो आप क्या कहोगे, सिक्का है रे खुदरा दे दो, 100-200 का नोट नहीं देता है। तो भगवान कभी कभार एक आध सिक्का फेंक देता है, ले जा। इसलिए समझ लीजिए भगवान से लाभ लेने के जो तरीके हैं, हमें क्या ठीक करना पड़ेगा, अपने भावनाओं को ठीक करना पड़ेगा, इमोशंस को। किसको, इमोशंस, भावनाएं। मनीष भैया क्या क्या माइक से बोले, इससे भगवान को कोई लेना देना है क्या, नहीं है। मनीष भैया के भीतर क्या क्या चल रहा है, भगवान को इसी से लेना देना है और उसी के अनुसार हमको मिलेगा। हमारे वाणी से भगवान को कोई मतलब नहीं, वाणी तो आपको सुनाने के लिए बोला गया है कि आप भी इस रास्ते पे चलो, संकल्प लो। इसलिए समझ लीजिए गुरुदेव ने कहा है तुम हमारा काम करो, हम तुम्हारा काम करेंगे। तो भगवान का काम क्या है, भगवान का काम है हम भी अच्छा बने और दूसरों को भी अच्छे बनने की प्रेरणा दें। वो बनेगा कि नहीं बनेगा ये जवाबदेही हमारी नहीं है, हमें तो हमारा जवाबदेही है उसे प्रेरणा देना। इसलिए हम ये संकल्प लेके निकलें कि हम दूसरों को अच्छे राह पे चलाएं। भगवान के उद्देश्य को समझ लीजिएगा तो इस क्षेत्र में जितना लाभ है दुनिया में किसी क्षेत्र में उतना लाभ नहीं है।